खबर जांजगीर से, जहां मड़वा गांव के मिडिल स्कूल में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने तालाबंदी कर दी और यहां पर लकवाग्रस्त दो शिक्षकों को हटाने की मांग की गई। सूचना के बाद मौके पर तहसीलदार पहुंची और एक शिक्षक की पोस्टिंग करने और लकवाग्रस्त शिक्षकों को नोटिस देकर जवाब मांगने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल मड़वा गांव के मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक हैं, जिसमें 2 शिक्षक लकवाग्रस्त हैं। इस वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है। इन शिक्षकों ने 2 शिक्षिकाओं को पढ़ाने के लिए अपने स्तर से व्यवस्था की, लेकिन शिक्षकों के नहीं पढ़ाने से छात्र छात्रा और अभिभावक नाराज थे और तालाबंदी की गई थी। हालांकि तहसीलदार के आश्वासन के बाद स्कूल का ताला खोला गया और माहौल शांत हुआ। समस्या है कि 2 सर मन है, ते मन अभी चिरांक है, तो मन पढ़ाई के अनुभवी नहीं है। सब कुछ के बोलना है, पर मुझे कहना है कि ना उमन के बल्ला सहायक आठ है पढ़ाई बर, उमन पढ़ातो है ता सर मन बैठे बसे थे। पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं और ऐसे समय निकलते जा रहा है। हमारी मांग है कि वो शिक्षक के बदला हमको शिक्षक दिया जाए। आंसर नहीं करेंगे, दूसरे शिक्षक नहीं देंगे, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। शिक्षक जो पदस्थ है, लकवाग्रस्त है, उनके द्वारा अध्यापन कार्य नहीं किया जाता, केवल ड्यूटी में पूरा करके चल देते हैं करके। तो यहाँ और 3 शिक्षक पदस्थ हैं जिनके द्वारा अध्यापन का कार्य किया जा रहा है।